गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एम कॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल इस सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन पेपर है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर अक्टूबर 2023 की, तो उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अभी देखिए, जो हमारा सिलेबस है वो एज पर एनईपी 2020 के अनुसार है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थी, मतलब जो अक्टूबर 2023 की क्वेश्चन पेपर थी, वो 19 पैटर्न की क्वेश्चन पेपर है। सो उसमें और हमारे अभी के सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। तो उस क्वेश्चन पेपर में एज पर अभी का जो सिलेबस है 2020 का, उसके अनुसार जो प्रॉब्लम आए हैं उतने ही प्रॉब्लम मैं ये वीडियो में लेने वाली हूँ, क्योंकि उसका जो सिलेबस था उसमें के रेशियो एनालिसिस एंड वर्किंग कैपिटल के जो प्रॉब्लम है तो वो अभी नहीं है। तो इसीलिए हम उस क्वेश्चन पेपर में से दो ही प्रॉब्लम लेने वाले हैं, एक जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का आया था वो, और सेकंड वन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का। तो दो प्रॉब्लम हम क्वेश्चन पेपर में से लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज एंड कंपेरेटिव स्टेटमेंट कंटिन्यू है। तो हम वही प्रॉब्लम अभी क्वेश्चन पेपर में से ले रहे हैं। और जो अकाउंटिंग स्पेशल के स्टूडेंट है एम कॉम के, तो उनके लिए एक नोटिस है कि हमारे जो अकाउंटिंग के वीडियोस है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग देन सर्विस अकाउंटिंग, तो उसके वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप टीवाई बीकॉम के जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के प्रॉब्लम है वो देखिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सेम है, कोई भी उसमें चेंज नहीं है, सभी प्रॉब्लम सेम है। और सर्विस अकाउंटिंग में आपको सिर्फ होटल अकाउंटिंग है, तो उसकी कुछ प्रॉब्लम हमारे चैनल पर अवेलेबल है और कुछ मैं अपडेट करने वाली हूँ। और तीसरा टॉपिक जो है इंश्योरेंस कंपनी का, तो अभी तक बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं रेफरेंस बुक में से कुछ प्रॉब्लम अभी आपके स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर आएगी आपको वो 70 मार्क्स की आएगी। एज पर 2019 पैटर्न वो 60 की थी, तो यहाँ पर 60 दिख रहा है, लेकिन अभी आने वाली जो क्वेश्चन पेपर है आपकी वो 70 मार्क्स की होगी। और हर एक प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन जो है वो 18 मार्क्स के लिए होगा। और ये जो सब्जेक्ट कोड है वो भी यहाँ पर चेंज होने वाला है, तो ये 19 पैटर्न की थी इसीलिए इस तरह का सब्जेक्ट कोड और 60 मार्क्स है, लेकिन आपकी जो होगी वो 70 मार्क्स की होगी। लेकिन फॉर्मेट सेम है, आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे और प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो आप थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसको और में जो प्रॉब्लम दिया गया होगा वो सॉल्व कर सकते हैं। आपको कॉमन साइज एंड कंपेरेटिव स्टेटमेंट के ऊपर एक प्रॉब्लम आएगा, कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों में से एक प्रॉब्लम आएगा, एंड कैपिटल बजटिंग के ऊपर एक प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होगा। शॉर्ट नोट्स कंपलसरी के लिए होगी आपको, तो 70 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर होगी और हर एक क्वेश्चन जो है वो 18 मार्क्स का होगा। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट थ्योरी क्वेश्चन था, डिफाइन द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक्सप्लेन द टाइप एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें डेफिनेशन, लिमिटेशंस वो देनी है। और बाद में एक प्रॉब्लम आया था वो कैश फ्लो के स्टेटमेंट के ऊपर था, उसको और है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक थ्योरी क्वेश्चन है और उसको और प्रॉब्लम है, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ सुहास लिमिटेड वॉज एज फॉलोज। तो हमें लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया गया है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसको कंबाइनली हम शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। लोन फ्रॉम बैंक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये करंट लायबिलिटीज है। एसेट साइड में मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, इस तरह से एसेट्स दी गई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट जो है कॉस्टिंग ₹60,000 वेयर सोल्ड फॉर 17,000। अभी देखिए, हमें वर्किंग नोट में जो अकाउंट निकालने होते हैं वो एडजस्टमेंट पर डिपेंड होते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट आई है, तो हमें इन्वेस्टमेंट का सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन टैक्स के ऊपर एडजस्टमेंट आई है कि टैक्स प्रोविजन जो है वो इस ईयर के लिए हमें 50,000 मेड करनी है, तो टैक्स के लिए हम सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। और मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट आई है, सो हम एक एडिशन में वर्किंग नोट में मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो हमें जो अकाउंट एक्स्ट्रा में प्रिपेयर करने होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो होता है एडिशनल
इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो हमें यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा अकाउंट्स वर्किंग नोट के तौर पर निकालने होंगे और एक हम कैश फ्लो का स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको आंसर बता दूं, जो थ्योरी क्वेश्चन है उसमें आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, उसके लिए 3 मार्क्स हो गए। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए 6 मार्क्स होंगे एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए 6 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से वो क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। और जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट है उसके लिए हम स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे। ऊपर लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ सुहास लिमिटेड या फिर इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अभी देखिए जो आपकी वर्किंग नोट है यहाँ पर 15 मार्क्स का प्रॉब्लम था, तो ईच वर्किंग नोट को 1 मार्क्स दिए गए हैं और रिमेनिंग 12 मार्क्स स्टेटमेंट के लिए है। लेकिन अभी आप जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसमें 18 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा, सो उसके अनुसार बाइफर्केशन होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमारा पहली स्टेप होती है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें से जो कैश आने वाली है वो हम लिखते हैं। इसकी स्टार्टिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस से करते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया गया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो वो हम लेंगे। जो 31 दिसंबर 2021 का है वो ओपनिंग है एंड 31 दिसंबर 2022 का जो है वो है क्लोजिंग है। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे 1,12,000 एंड 1,36,000 से। तो फर्स्ट ऊपर हेडिंग दीजिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022 1,36,000 लेस ओपनिंग बैलेंस, लेस करेंगे उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2021 या फिर आप 31 मार्च 2021 भी लिख सकते हैं, तो वो है 1,12,000। तो माइनस करके आउटर के कॉलम में आए 24,000। अभी हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जाएंगे, यानी कि पहले हम जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है वो चेक करेंगे, बाद में एसेट साइड चेक करेंगे और उसके अनुसार जो जो एडजस्टमेंट किए से हमें कैश इनफ्लो होता है तो वो हम देखेंगे। तो देखिए अभी हम बैलेंस शीट देखते हैं लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल है वो 9 लाख था, तो 9 लाख ही रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जनरल रिजर्व 6 लाख था, वो 6,20,000 हो गया है, यानी कि रिजर्व 20,000 से इंक्रीज हुआ है, तो हम वो भी इसमें लिखेंगे कैश फ्लो में। तो यहाँ पर लिखिए ट्रांसफर, TR मतलब ट्रांसफर है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000, आउटर के कॉलम में लिख दीजिए 20,000। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम बैंक, ओपनिंग बैलेंस नहीं था, क्लोजिंग बैलेंस उसका 5 लाख है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो कहाँ पर होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा, तो यहाँ पर हम वो नहीं लेंगे। सिर्फ जो एसेट्स या फिर लायबिलिटी कम ज्यादा होती है तो उसमें जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है उसी का इफेक्ट यहाँ पर आता है, तो हम ये जो लोन फ्रॉम बैंक है वो बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,36,000 थे, वो 2,68,000 हो गए हैं, इसका इफेक्ट भी हम बाद में लिखेंगे। जहां पर हमें इंक्रीज डिक्रीज लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम, या फिर आप पहले लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो ब्रैकेट में आने वाला है क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो क्या हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस उसका था 3,36,000, क्लोजिंग बैलेंस 2,68,000 है, तो कम हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कम हुआ है, यानी कि हमने लायबिलिटी जो है वो क्या की है, पे की है, पेड की है। सो इसका जो इफेक्ट है दोनों का डिफरेंस वो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो जो भी माइनस करने हैं वो हम बाद में ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस के पहले लिख लेंगे, या फिर आप डायरेक्टली 1 बाय 1 जाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लास्ट में लिखा है डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो डिफरेंस है दोनों में का वो ब्रैकेट में लिखा है 68,000। ब्रैकेट में क्यों लिखा है, तो जो ब्रैकेट में लिखी हुई फिगर है वो हमें माइनस करनी है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो इसके लिए हमने सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट में लेंगे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट के तौर पर हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एक अकाउंट निकाला है,
जिसका ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट में लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में लेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, और एडजस्टमेंट में हमें जो प्रोविजन बताई गई है वो हम क्रेडिट साइड में लेंगे, और अकाउंट क्लोज करके उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा स्टेटमेंट में आएगा। तो देखिए, प्रोविजन बताई गई है 50,000, वो हम क्रेडिट साइड में लेंगे टैक्स अकाउंट के, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के। तो यहाँ पर हम क्रेडिट में लिख रहे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट प्रोविजन 50,000। अभी ये अकाउंट क्लोज कर दीजिए, 2 लाख क्रेडिट के टोटल डेबिट में लिखिए 2 लाख, उसमें से 60,000 माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसको लिखिए टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट टैक्स पेड, हमने टैक्स पेड किया है 1,40,000। अभी जो प्रोविजन है 50,000 की, उसका इफेक्ट जो है हमारा इस स्टेटमेंट में आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000, यहाँ पर हमने लिख दी है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000। और जो टैक्स पे किया है 1,40,000, वो भी आएगा लेकिन वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है लेस टैक्स पेड इन ब्रैकेट 1,40,000। तो इस तरह से हमने टैक्स का इफेक्ट दे दिया है। ये मैंने जो माइनस की फिगर्स है वो सिक्वेंसली ली है, अगर आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं इसका जो है मतलब कुछ कुछ कौन सा आइटम पहले लेना है कौन सा बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे, बाद में एसेट में जाएंगे, या फिर एसेट से स्टार्ट करेंगे बाद में लायबिलिटी साइड में आएंगे तो भी चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ जो कुछ भी करंट लायबिलिटीज है या फिर करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, उसके ऊपर कम ज्यादा जो हुआ है या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस, तो उसका इफेक्ट यहाँ पर देना है। तो इस तरह से हमने टैक्स का इफेक्ट दे दिया। अभी लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हुई है, अभी जाते हैं एसेट साइड की ओर। एसेट साइड देखिए, एसेट साइड में फर्स्ट आइटम जो है मशीनरी, तो हमें मशीनरी के लिए अकाउंट निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट में लेंगे क्योंकि एसेट है, और क्लोजिंग बैलेंस हम क्रेडिट में लेंगे। तो वर्किंग नोट में हमने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,40,000। अभी एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है कि मशीनरी जो है वो सोल्ड की है। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 वॉज सोल्ड फॉर 24,000। 20,000 की मशीनरी 24,000 को सोल्ड की, यानी कि 4,000 क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। मशीनरी अगर हम सोल्ड करते हैं तो क्रेडिट में इफेक्ट जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिख दिया बाय बैंक अकाउंट 24,000। अभी उसके ऊपर जो 4,000 का प्रॉफिट हुआ है वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000, और अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो अकाउंट क्लोज करने के बाद डेबिट साइड की टोटल बढ़ी आई है 8,04,000, वो क्रेडिट में लिखिए 8,04,000, और क्रेडिट माइनस करके जो डिफरेंस आता है उसको लिखिए बाय डेप्रिसिएशन, वो आया है 1,40,000। अभी हम डेप्रिसिएशन एंड ये जो 4,000 का प्रॉफिट है दोनों का इफेक्ट यहाँ पर देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,40,000, और जो प्रॉफिट आया है मशीनरी के ऊपर का वो 4,000, वो माइनस में जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ब्रैकेट में लिखिए 4,000। इस तरह से हमने मशीनरी का इफेक्ट दे दिया है। जो 24,000 को सेल हुई है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता है, तो हम बाद में लिखेंगे वो। अभी नेक्स्ट आइटम जो है एसेट साइड का, वो है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए भी हमने सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी 16,000 की जो थी वो 17 को सोल्ड की है, मतलब 1,000 प्रॉफिट से सोल्ड की है। तो इन्वेस्टमेंट का हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर हमने प्रिपेयर किया, डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000, और जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड की है उसका इफेक्ट हमने क्रेडिट में दिया बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट सेल्स 17,000। अभी जो 1,000 का प्रॉफिट है वो डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000। अभी ये अकाउंट क्लोज कर दिया, क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है डेबिट में लिखी, और डेबिट माइनस करके उसका जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो है 36,000। इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता है, सो हम इसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट परचेसेस 36,000। अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता तो बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखते सेल्स, लेकिन यहाँ पर डेबिट में डिफरेंस आया है तो टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट परचेसेस।
तो अभी हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें ये 1000 का इफेक्ट देंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस को जाने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी माइनस होगा इन ब्रैकेट 1000। इस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट दे दिया है। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम है स्टॉक। स्टॉक 3,80,000 था, वो 4,20,000 हुआ है, यानी कि स्टॉक इंक्रीज हुआ है। सन्ड्री डेटर्स 4,20,000 थे, वो 9,10,000 हो गए हैं, यानी कि वो भी इंक्रीज हुए हैं सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पर हम लेंगे पहले स्टॉक इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट में आएगा क्योंकि वो माइनस होने वाला है। जब स्टॉक इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होती है, तो हमारे पैसे जाते हैं, आउटफ्लो होता है कैश का, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 68,000। देन इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे, दोनों में का डिफरेंस 40,000। इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स, सॉरी 4,90,000 एंड इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक 40,000। थोड़ा सा बताते हुए मिस्टेक हुआ था। एंड डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स 68,000 है। टैक्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने पहले से ही राइट डाउन किए थे। तो इस तरह से हमने जो एसेट साइड थी उसका पूरा इफेक्ट दे दिया है। तो देखिए, वंस अगेन आप देखिए, हमने स्टार्ट किया था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है उसमें का इफेक्ट देते वक्त पहले प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं, उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस करके उसकी नेट फिगर लेते हैं। बाद में जो जो हम ट्रांसफर करते हैं या फिर जो जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें ऐड होते जाते हैं। और जो जो प्रॉफिट होते हैं या फिर कैश का आउटफ्लो होता है वो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो इस तरह से हमने 24,000 प्लस 20,000 प्लस 1,40,000 प्लस 50,000 किए, इनकी पहले टोटल कर ली और उसमें से 1,000, 4,000, 4,90,000, 40,000, 68,000 एंड 1,40,000 माइनस किए। तो हमारा आंसर माइनस में आया है, इसीलिए ही हमने ब्रैकेट में लिखा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 5,09,000, ये माइनस में आई है तो ब्रैकेट में लिखी। अभी नेक्स्ट है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब हमने जो एसेट सेल की है उसमें से जो पैसे आए हैं वो हम लेंगे, और उसमें से जो हमने एसेट्स परचेस की है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमने मशीनरी सोल्ड की थी, उसकी फिगर यहाँ पर आएगी 24,000, सेल ऑफ मशीनरी। देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 17,000, और इन्वेस्टमेंट परचेस जो की थी वो हमें बैलेंसिंग फिगर मिली थी इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करके, वो है 36,000, वो ब्रैकेट में आएगी क्योंकि वो माइनस होगी। तो अभी 24,000, 17,000 इसकी टोटल कर देंगे, वो आएगी 41,000, उसमें से 36,000 माइनस करके कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो प्लस में आई है 5,000। अभी नेक्स्ट लेंगे हम कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए, हमने जो लोन टेक किया था उसका इफेक्ट हमने ऊपर नहीं दिया था, मैंने कहा था कि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो बाद में लेंगे। तो देखिए, लोन फ्रॉम बैंक ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, जीरो है, नील है, और क्लोजिंग बैलेंस में 5 लाख है, यानी कि हमने 5 लाख का लोन टेक किया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 5 लाख आएंगे। तो लोन टेकन 5 लाख, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आई है 5 लाख। अभी हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनकी प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये फिगर माइनस है तो वो माइनस ही होगी। तो हम 5,09,000 माइनस में लेंगे और 5,000 एंड 5 लाख प्लस में लेंगे। तो 5,05,000 जो है प्लस है एंड 5,09,000 माइनस है। तो हमारा प्लस माइनस करके उत्तर माइनस, सॉरी आंसर माइनस में आया है, -4,000। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया 4,000। अभी कैश का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस लेंगे जो बैलेंस शीट में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग है 3,98,000, क्लोजिंग है 3,94,000। तो यहाँ पर वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 3,98,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 3,94,000। तो देखिए, ये टैली होता है किस तरह से। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 3,94,000, ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 3,98,000, उसमें से ये 4,000 माइनस हो गए, तो कितना आंसर आएगा, 3,94,000। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस एक्यूरेट आया है। तो इस तरह से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो टैली हुआ है, यानी कि आपको
जो तीनों एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, उसका जो कुछ भी प्लस माइनस में आंसर आएगा वो ओपनिंग बैलेंस के साथ जोड़ देने के बाद आपका जो आंसर है क्लोजिंग बैलेंस का वो, और जो बैलेंस शीट में दिया गया क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो आपका प्रॉब्लम करेक्ट है, आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ये वर्किंग नोट है मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, और ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है जिसकी स्टार्टिंग हमने कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से की है, और एंड हमने जो बैलेंसेस है उससे किए है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन है। ये अभी आपको 18 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, अभी वो नेक्स्ट पार्ट में लेने वाली हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।